प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को आवंटित किए जाने वाले आवास के अलावा मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने सहित परफॉर्मेंस ग्रांट संबंधित बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना के तहत लाभार्थियों को उनके मकान को अति शीघ्र आवंटित कर दिया जाए तथा मनरेगा में मजदूरों की संख्या को बढ़ाते हुए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मनरेगा में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे शासन द्वारा कौन कौन से लाभ उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत जनपद में चयनित 34 गांव के विकास कार्यों को जैम पोर्टल से ना कराकर टेंडर से कराने के संबंध में बताया गया कि सभी ग्राम प्रधानों का बैंक में खाता होना चाहिए तथा एक एक पैसे का हिसाब विभाग को उपलब्ध कराना होगा, इससे कार्यों में गुणवत्ता बरकरार है। तो यही आपको हर साल यहाँ ऑडिट में भी रखना है। ग्राम पंचायत का अपना भी ऑडिट आप नहीं कर रहे, जिला लेकर स्टार्ट कर रहे हो तो वो प्रोजेक्ट की जो नीति है वो जिम्मेवारी सबकी है। इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और आपको सब बताते रहेंगे। जो जो आपकी डाउट होगी वो भी आप पूछोगे और जो स्टेटमेंट है वो जमा कर दोगे। CTO साहब आज उसको मॉनिटर करके DM साहब को मिस्टर साहब पे रिपोर्ट दे रहे, हर उसकी स्टेटमेंट चाहिए। किस अकाउंट में ये ग्राम निधि में? जी सर, ग्राम निधि में वन में, ग्राम निधि वन में। और दूसरा मुझे एक और पूछना है कि सबका बैंक अकाउंट अलग अलग बैंकों में? जी सर, किसी का PNB में, किसी का SBI, ग्राम निधि का उसमें कोई? चलो अभी एक एक करके हम इस पर कमेंट करेंगे और बाद में लास्ट में कंक्लूड करूंगा और DPRO साहब स्टार्ट करेंगे, फिर गोविंद जी बताएंगे, फिर वीडियोज में उनका बताएंगे, डिस्कशन मोड में काम करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आवास हमें अगले दो दिन में मुख्यमंत्री आवास का नाम भी खत्म करते हैं, टोटल 100% पूरा सेंशन। और जो प्रधानमंत्री आवास है हमें नेक्स्ट दो दिन में पूरे का पूरे खत्म करना है, ये सबको क्लियर होना चाहिए। और मनरेगा में जो 100 दिन का रोजगार है उस पर रोज वर्क होना चाहिए। हमारे 14,000 लोग हैं जो 79 से 99 देश के बीच में है, अगर हम उसको निकाल के डेली मॉनिटर करते हुए, बहुत सारे लोग 90 पे 10 दिन भी अगर मॉनिटर कर लो तो इतना 100 दिन में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आगे जाके EPF से भी जोड़े। ये मैं आपको बताऊंगा कि मनरेगा के जो अभी कमान किसी मनरेगा के लेबर की डेथ हो जाती है तो उसको क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं अगर आपने 100 दिन का रोजगार दिया। ऐसे ही गवर्नमेंट उसमें कंपेयर करे, उसकी बेटी की शादी के तक अनुदान दिया जा सकता है, उसको आवास के लिए पैसे दिए जा सकते हैं अगर 100 दिन का रोजगार किया उसने मनरेगा लेबर की, बताओ उसके बच्चों की पढ़ाई तक का किया जा सकता है। सारी योजना पता ही कितनी, जब पहले हम 100 दिन करा लें फिर योजनाओं से उन लेबर को जोड़ सकते हैं, इसको और फॉर्मलाइज किया। ये हमारे मोटे मोटे जो टारगेट है इसमें भी आप कोई पीछे रहेगा। और कम्युनिटी टॉयलेट जो हमें हर हालत में करना है, जिसकी प्रोग्रेस आपको करवा रहे हैं, लेकिन कुछ जगह गगा में हमें बहुत पीछे, हम लोग कम्युनिटी टॉयलेट में जो लोग गगा से आए हैं, वीडियो गगा हमारे साथ है, मैंने आज बता भी दिया था कि पहले आप आवास करा लीजिए फिर कम्युनिटी टॉयलेट के पीछे भी पड़ेंगे, वो भी हमें 1300 टारगेट अचीव करना है। हम लोग 945 पे आ गए हैं तो 300-350 का गैप है, वो हमें अचीव करना है और हम लोग कर लेंगे सर। ठीक है, बताइए सर। जैसे कि सर ने बताया कि जो परफॉर्मेंस ग्रांट है हमारे 34 ग्राम पंचायत में मिल गया है, 2.5 लाख से 5 लाख तक जो रहेगा DPRO के पास रहेगा, 2 से 2.5 लाख जो है पंचायत के पास रहेगा, और जो 2 लाख से नीचे वो ग्राम पंचायतें स्वयं उसको देंगी वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, और उससे 2 लाख से नीचे में तकनीकी स्वीकृति का अनिवार्य नहीं है। तो अब जो स्वीकृति जो मिलनी है वो सब तक एवज में चाहिए। फर्स्ट जो किस्त मिलेगी आपको, इसे सबको ही पता होगा अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो जितना हमने वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति करके शासन को भेजा उसका 50% अभी मिलेगा। जब आपने 50% कंप्लीट कर लिया उसका UC हमें दे दिया, हमने शासन को दे दिया, आपने हमें दिया, हमने फिर शासन को भेज दिया, तो शासन फिर 40% और रिलीज कर। जो उनके द्वारा आए हुए जो होंगे ऑफिशियल्स, उन्होंने अगर कह दिया हाँ काम की गुणवत्ता सही है तो बाकी रेस्ट 10% आपका रिलीज शासन से।
पहले ई टेंडर की बात हम लोगों ने करी थी, शासन ने क्लियर कर दिया अभी टेंडर नहीं होगा, बट टेंडर में कोई किंतु परंतु नहीं है, टेंडर हर हाल में होना है। टेंडर जो है 7 दिन का तभी हो सकता है जबकि कोई आपातकाल हो, यहाँ पर हमारे पास कोई आपातकाल दिखाने को नहीं है। तो टेंडर जो है जनरली कम से कम जो ऐसे 21 दिन का है, पर डीएम सर ने जो है अपने आदेश से इसको 15 दिन का किया, 15 डेज का 14 15 दिन, तो 15 दिन का टेंडर होगा। अब जेम से खरीदने के लिए मना किया गया है, मतलब मना किया गया है का ऐसा मतलब कि जेम से खरीदना बाध्यकारी नहीं है, पर अगर आप में से कोई भी अगर ग्राम पंचायत प्रधान सचिव चाहे तो जेम से खरीदारी कर सकते हैं। उसके लिए एक बस चूँकि एक फॉर्मली हो जाए तो हमें डीएम साहब के नाम का एक लेटर हम लोगों को दे दीजिए, तो हम लोग डीएम साहब से स्वीकृति करा लेंगे। उस जैम से खरीदारी में 5 लाख तक के लिए परचेजिंग जो होता है वो L1 L2 L3 कोटेशन बेसिस पे होता है, इसलिए कुछ लोग चाह भी रहे हैं जैम सेफ भी रहता है। तो उस खरीदारी में केवल ये है कि आपको HOD जो बनाना है वो ग्राम पंचायत में चूँकि स्वतंत्र है, अब तक जो 10 ग्राम पंचायत के HOD ADPRO जो है असिस्टेंट DPRO जो है वो है, वो 10 ग्राम पंचायतें ग्रेजुटीज रहेंगी, फिर बाकी ग्राम पंचायतों में जो सचिव हैं वो HOD बन सकते हैं, और सचिव और प्रधान भी मतलब HOD और DDO और मतलब बाहर का साइनी उस तरह से बांट लीजिए, DDO और HOD सचिव को बना दीजिए, और प्रधान जी जो है वो बाहर कंसाइनी बन जाए, कल को अगर सपोर्ट के लिए प्रधान जी नहीं रहते हैं 25 के बाद तो फिर वैसे जो उसके जगह पर रिप्लेस करेंगे उनको वो बन जाएंगे। लेकिन आप लोगों को उसके लिए रिटर्न इनका दे देना पड़ेगा ताकि ये ना लगे कि जिले ने आपको फोर्स किया जेम के लिए, हमने नहीं, हाँ वही कह रहे हैं इसलिए।